हे गाइस वेलकम बैक वन सेकेंड टू माय यूट्यूब चैनल सो गाइस जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्दी एक टीयर टू uh, जो जो स्पॉन्सरशिप जॉब्स होती हैं उसके ऊपर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि इस तरीके से आप टीयर टू uh, जॉब यहाँ पे यूके में ले सकते हैं uh, मैं इस वीडियो में यूजअली हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री और शेप इंडस्ट्री को ज़्यादा कवर करूँगा बाकी उस प्रोसेस को यूज़ करके आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब ले सकते हैं ठीक है और आ, मैं ये वीडियो अभी तक इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मैं खुद उस चीज़ को टेस्ट कर रहा था और जब तक मैं मेरे को प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल जाता तो मैं नहीं चाहता था कि मैं वीडियो आपके सामने लेके आऊँ तो इसलिए वो मैंने रिजल्ट मैंने मेरे को उसका मिला है ऑलरेडी मेरे को टीर टू जॉब मिल चुकी है तो वो प्रूवन वे हो चुका है अब इस टाइम पर तो इस वजह से मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करूँगा ताकि इसकी हेल्प आप भी ले सकें So, सो भाई जो तरीका मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीका है ठीक है बहुत ही सिंपल तरीका है कुछ कीवर्ड्स हैं जो यूज़ करने पड़ते हैं और हाँ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर आपको इंटरनेट पे बैठना पड़ेगा रिसर्च करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए भाई विदाउट बिना कुछ काम के तो आपको कोई भी आकर जबरदस्ती दे नहीं देगा ले ले भाई हमारे पास थाली में से जाके टीयर टू जॉब पड़ी हुई है तू भी ले ले तू भी ले ले तो भी ले ऐसा कुछ नहीं है वर्क उस पर वर्कआउट उस पर करना पड़ेगा ठीक है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन पर सोलह स्पोर्ट सबसे पहले टाइप करना है स्पॉन्सर टीयर टू डॉट कॉम ये एक वेबसाइट है जो कि एक फ़िल्टर की तरह काम करती है ठीक है तो यहाँ पे जितने ऑल ओवर यूके में जितनी भी कंपनियां हैं चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हों उनके यहाँ पे स्पॉन्सरशिप की लिस्ट आ जाती है कि उन्होंने गवर्नमेंट के पास से उनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है प्लस ये भी पता चल जाता है कि कौन से ईयर में उन्होंने स्पॉन्सरशिप ली थी कौन सा ठीक है तो अब इसमें हम थोड़ा सा फिल्टर करेंगे किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में ठीक है तो सबसे पहले तो डाल देते हैं चलो हम टाउन ता, डाल देते हैं हम चलो सर्च करते हैं लंडन में ठीक है तो ये लंडन की कंपनीज़ आ गई सारी सारी यहाँ पर अब डाल देते हैं इंडस्ट्री सो so, इस इंडस्ट्री में हम uh, मेनली मैं बात करने वाला हूँ हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के बारे में तो फूड एंड एकोडेशन ठीक है नाउ यू कैन सी कि कितने सारे यहाँ पे होटल्स एंड रेस्टोरेंट यहाँ पे आ रखे हैं जिनके पास में स्पॉन्सरशिपिपिप है ठीक है अब ये देखो अगर आप ऊपर देखोगे ये एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में है यहाँ पे अल्फनार रेस्टोरेंट एंड कैफे लिमिटेड लंदन में है फूड एंड एकोमोडेशन वही इंडस्ट्री एंड देन ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं टू में इन्होंने स्पॉन्सरशिप ली है तो अभी ये लेटेस्ट उन्होंने स्पॉन्सरशिप ले रखी है ठीक है दैट मीन्स कि इस रेस्टोरेंट को स्टाफ की जरूरत थी तो इसलिए इन्होंने सर्टिफिकेशन लिया है गवर्नमेंट की तरफ से ताकि ओवरसीज से आ, वर्कर्स को लेकर आ सकें ठीक है अब सबसे अच्छा आइडिया इसमें क्या होता है कि ऐसे तो आपको ये बहुत सारी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी आप ऑल ओवर यूके में किसी भी सिटी का सर्च कर सकते हैं यहाँ से ठीक है तो ये जो प्लेटफॉर्म एक तरीके से आइडिया देने के लिए कि भाई किसी उस कंपनी के पास स्पॉन्सरशिप है कि नहीं है ठीक है तो जैसे एकोर एक होटल सर्विसेज है ठीक है आप ये देख देखते हैं दो हज़ार अठारह में इन्होंने स्पॉन्सरशि ली थी बट मेरा सजेशन ये है कि इन पे अप्लाई करके फ़ायदा नहीं है क्योंकि होटल इंडस्ट्री जो मेनली जो बड़े बड़े होटल्स हैं इनके पास स्पॉसरशिप होती है पर ये क्या करते हैं कि ये जो बड़े बड़े आ, हायर पोजिशन के मैनेजमेंट लेवल के यू नो लाइक डिपार्टमेंट होते हैं उनको ही ज़्यादातर स्पॉन्सर करते हैं अपनी स्पॉन्सरशिप के सर्टिफिकेशन को बचा के रखते हैं मुझे नहीं पता क्यों ठीक है और अगर ये, ये लेटेस्ट नहीं है फॉर एग्जांपल कुछ कुछ आपको दिखे जैसे 2013 में तो यहाँ पे अप्लाई करके कोई कोई फ़ायदा नहीं है 2018 जिन्होंने लेटेस्ट में ली होती हैं दैट मीन उससे आइडिया ये लग जाता है कि उनको स्टाफ की ज़रूरत है ठीक है तो हम यहाँ पे शोर्ट करके देखते हैं इसको न्यूएस्ट ठीक है अब ये देखो दो तारीख को उन्होंने किसी ने लिया छब्बीस पाँच छब्बीस मई को यहाँ पे 2022 लकी केन लिमिटेड अब ये जो है ये एक तरीके से कोई ना कोई रेस्टोरेंट होगा या कोई फूड से रिलेटेड होगा क्योंकि कोई भी कंपनी होती है उनका उनका जो रजिस्टर नेम होता है वो डिफरेंट होता है ठीक है मान लो रेस्टोरेंट का नेम डिफरेंट लिंक कंपनी का बेस नेम जो होता है वो डिफरेंट होता है ये देखो रिवर बैंक होटल ऑपरेटर लिमिटेड तो आप इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि रिवर बैंक होटल ऑपरेटर लिमिटेड कौन से हैं रिवर बैंक होटल ऑपरेटर अगर हम सर्च करके देखें रिवाइंग होटल ऑपरेटेड हो, लिमिटेड तो लस ही क्या आता है ठीक है तो आप ये देख सकते हैं पार्क प्लाज़ा लैंडर रिवर बैंक तो ये एक ये, ये होटल आ रहा है तो पार्क प्लाज़ा का होटल है ये जिसके अंदर आप देख सकते हैं इस्पॉसरशिप इनके पास में सर्टिफिकेशन है तो क्या तरीका है आप क्या कर सकते हैं इस होटल की वेबसाइट पे जा सकते हैं वहाँ पे कैरियर्स में ऑप्शन में जाके जैसे अगर हम वेबसाइट पर चलते हैं ठीक है तो कैरियर का ऑप्शन कहीं ना कहीं नीचे इनमें कैरियर का ऑप्शन होता है ठीक है तो आप यहां पे कोई भी सर्च कर सकते हैं जैसे कि हमको यूनाइटेड किंगडम का देखना है तो यूनाइटेड किंगडम जैसे तो सी पार्क लंडन रिवर बैंक करियर अपॉर्चुनिटीज ये आपको मैं एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ ताकि ताकि आपको आइडिया लग जाए ठीक है अब जैसे ये क्या करें असिस्टेंट चीफ़ इंजीनियर को चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर चाहिए कितनी सारी आप यहाँ पर वैकेंसीज़ देख सकते हैं एफ़ एन बी में वैकेंसीज़ हैं ठीक है कौन सी फ्रंट ऑफिस में वैकेंसीज़ हैं अगर हम यहाँ पर फ़िल्टर डाल देते हैं किचन ठीक है ब्रेकफास्ट शॉप इनको चाहिए शब्द पार्टी इनको को चाहिए शब्द पार्टी इनको चाहिए यूजुअली क्या है जैसे ब्रेकफास्ट शब है कौमी लेवल की पोजीशंस हो जाती हैं ठीक है तो जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ इसके लिए हायर नहीं करेंगे अब मुझे अब जो है अकॉर्डिंग टू तो न्यूज़ की शब्द पार्टी एंड अब ये हायर कर रहे हैं जो भी मतलब यू में हायर कर रहे हैं आपको एटलीस्ट शब्द पार्टी तक का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं शब्द पार्टी जूनियर सोशेप सोशेप उसके ऊपर के लेवल तक के लिए अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं डेमी शेफ हो गया तो इनकी पो इनकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई करो तो चांसेस हैं कहीं ना कहीं से तो रिप्लाई आएगा ठीक है ऐसे और कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं देखो कोडा रेस्टोरेंट लिमिटेड हो गया इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे ठीक है वो आपको बस आपको रिसर्च करना पड़ेगा टाइम स्पेंड मिस्टर एंड मिसिज फूड लिमिटेड आपको बैठ के इस पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा देख के सारी चीज़ें सर्च करना पड़ेगा ठीक है चक्रा रेस्टोरेंट लिमिटेड या इंडियन रेस्टोरेंट है अगर कोई इंडियन में जिसका इंटरेस्ट है वो अप्लाई करना चाहता है किसी इंडियन रेस्टोरेंट में अगर अच्छा, अच्छा एक्सपीरियंस है एक चीज़ सजेशन ये है कि आप ये चीज़ देखो कि ये लोग बाहर से आपको हायर क्यों करेंगे ऐसी क्या कैपेबिलिटी है आपके अंदर ठीक है वो चीज़ देखना जरूरी है क्योंकि आपके पास में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए तभी चांसेस हैं आपके पास रिप्लाई आने के ठीक है स्पेशली अगर आप इंडिया में लंडन टिक्का कबाब ये भी इंडियन रेस्टोरेंट है ठीक कितने सारे हैं यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी जगह सारी चीज़ें में जाके देख सकते हैं सजेशन यही है टाइम है आपके पास टाइम तो स्पेंड करो जितने अगर मैं तो कह रहा हूँ अगर आप यहाँ पे पचास हो पचास कंपनीज uh, है ना तो पचास की पचास कंपनी में अप्लाई करो कहीं एक जगह से दो जगह से तीन जगह से तो कहीं ना कहीं रिप्लाई आएगा ठीक है तो तो ये तो अगला और इससे सिंपल तरीका है जो मुझे लगता है उसमें क्या है कि लेटेस्ट वैकेंसीज आती हैं तो, तो हम क्या सर्च करेंगे टीयर मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है टीयर टू स्पॉन्सरश जॉब्स इन यू के अभी एक किसी एक पर्टिकुलर उसको लेके चलते हैं ये देखो हैड शेफ़ स्टैम ग्लोरी कैम्ब्रिज टीयर टू स्पॉन्सरशिप अवेलेबल ये डेफिनेटली स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं मुझे पता है इस रेस्टोरेंट के बारे में ठीक है सो गो हैड एंड अप्लाई अगर आपके पास हेड शेफ लेवल तक का एक्सपीरियंस है अगर सोशप तक लेवल तक का भी एक्सपीरियंस है तो दे माइट कंसिडर सो गो हैड एंड अप्लाई फॉर दिस सही ऑलरेडी एक जॉब मिल गई आपको ठीक है दूसरा क्या करना है इसको सर्च करने के बाद में हम आएंगे यहाँ पे इंडीड इंडीड डॉट कॉम ये जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इस पर सब के सब चाहे कितना ही बड़ा होटल हो कितना ही बड़ा मिशनी स्टार रेस्टोरेंट हो सब के सब इसके ऊपर अपनी जॉब पोस्ट करते हैं बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये ठीक है सबसे ऊपर देख रहे हो यहाँ पे शब्द पार्टी एक्टिव टू डेज है इनको इनक पार्कर्स टेवरेंट कैम्ब्रिज में एक रेस्टोरेंट है ये ठीक है यहाँ पे आएंगे फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं सैलरी कितनी दे रहा है थर्टी वन थाउजेंड ईरली सो दैट मीज ऑलमोस्ट हो जाता है इकतीस लाख के आसपास ये बैठता है अगर हम कन्वर्ट करके देखें इंडियन रुपीज़ के हिसाब से ठीक है ये देखो आप ये पूरा शिफ्ट पढ़ सकते हैं फोर्टी टू आवर्स कॉन्ट्रैक्ट मंथली बोनस वगैरह जो भी है इनको इन सबको इन सब पढ़ने से पहले सबसे पहले मेन चीज़ देखा करो जो भी मैं मैं ऐसे ही करता था कैसे किस तरीके से फिल्टर करता था जॉब जॉब जितनी भी अवेलेबल हैं सबको मैं ओपन करता था उसके बाद नीचे आके मैं सर्च करता था ये देखो नाउ ऑफरिंग टीयर टू स्किल वर्कर वीजा स्पॉनशिप कंपनी खुद लिख रही है कि दे आर ऑफरिंग इट तो वाई डोंट यू अप्लाई फॉर इट सी इस तरीके से कितनी सारी कंपनीज़ हैं जो जो ऑफर कर रही हैं दे माइट कंसिडर अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो गो हेड एंड अप्लाई ऑन देयर वेबसाइट ठीक है और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो अगर आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं ऐसा नहीं कि आपकी एप्लीकेशन काफ़ी महीनों तक तो पड़ी रहेगी ऐसा कुछ नहीं है दो या तीन दिन में रिप्लाई आ जाता है उनके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है दे आर इवन हायरिंग मल्टीपल कैंडिडेट्स अगर मैं और दूसरी चीज़ की बात करूँ जैसे शेफ़ हंटर ग्रुप चाहिए घंटर कॉम ग्रुप है इसमें पढ़ के देखते हैं अगर यहाँ पर अवेलेबल है स्पॉन्सरशिप नहीं इसके अंदर उन्होंने कहीं मेंशन नहीं कर रखा स्पॉन्सरशिप के बारे में तो यहाँ पे अप्लाई करने का फायदा नहीं है फिर भी आप काफ़ी सारी ऐसी आ, जो जॉब्स वैकेंसीज हैं आप अप्लाई कर सकते हैं उससे क्या बेनिफिट होगा कि आप जब अगर आपसे आपके पास वहीं से, वहीं से कहीं से कॉल आता है इंटरव्यू के लिए किसी चीज़ के लिए तो उससे एक बेनिफिट यह है कि आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि मेरे पास में इतना इतना एक्सपीरियंस है कि आप स्पॉन्सरशिप मेरे को अवेलेबल uh, करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। अगर वो करा सकते हैं तो दे विल टेल यू अदरवाइज़ जैसे उसको ना सही हो तो उसमें कुछ न, ना सुनने में कुछ नहीं जा रहा है जोने सोचा ए होटल ग्रुप अगर इसमें अवेलेबल है hmm. नहीं इन्होंने भी इन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं कर रखा पर जहाँ तक मुझे लगता है ये पे ग्रुप होटल के पास में भी इस्पॉन्सरशिप का ऑप्शन है बट इसमें भी ये आई थिंक हायर लेवल मैनेजमेंट लेवल, लेवल तक के लोगों को हायर करते हैं इसमें सो तो इसी तरीके से आप सारी रिसर्च कर सकते हैं कितने सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हैं तो ये पार्क एंड ट्रेवलेंट सेम सेम जो ऊपर वाली कंपनी थी ये जूनियर सोशाप भी हायर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनके पास में स्पॉन्सरशिप है तो ये स्पॉन्सरशिप कंसिडर कर सकते हैं ठीक है कॉन्ट्रेनरशिप या वीरा इंटरनेशनल जो कि अपनी इंडिया की एजेंसी है ये भी हायर करा रहे हैं लोगों को इनके पास में वैकेंसीज है पर ऑब्वियसली आप किसी एजेंट के पास जाते हैं तो खर्चा आपका बढ़ेगा चार से पाँच लाख तक का खर्चा मान के चलो कम से कम बट इतना खर्चा देने से देने की ज़रूरत क्या जब ऑलरेडी आपको आ, सारा कुछ आपकी तरफ से खुद से तो करके तो कुछ वैकेंसीज हैं और आप वहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा डिस्क्रिप्शन में कि वो स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ठीक है तो उसका पता कैसे चलाएँ जैसे हमने अभी देखा था एपेक्स होटल ठीक है तो वापस से जो हमने पहले मैंने सबसे पहले आपको वेबसाइट बताई थी उस पर जाएंगे उस पर हम सर्च करेंगे कंपनी uh, का नाम डाल के डाले, डालेंगे हम यहाँ पे एपेक्स होटल्स ठीक है सी आ गया यहाँ पे एपेक्स होटल इनके पास में स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है एडिनबर्ग में है ये देन इन्होंने 2013 में स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेशन ले लिया था गवर्नमेंट की तरफ से तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि ये 2013 में है तो बहुत लंबा टाइम है बहुत पुराना पुरानी बात हो गई है ठीक है मेरे को लगता नहीं है अब इनको आ, अब इस टाइम पे ये कैंडिडेट्स वगैरह हायर कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे क्योंकि जब सर्टिफिकेशन लेते हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनका एक कोटा होता है ठीक है लाइक आप इतने ही कैंडिडेट हायर कर सकते हैं इतने कर सकते हैं तो ऐसा भी हो सकता है इन इन्होंने ऑलरेडी हायर कर रखी हो टोटल ठीक है तो कोशिश ये करना जैसे इसमें अप्लाई करके टाइम टाइम वेस्ट करने वाली बात है तो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि जैसे कि 2018 से या उन दो से कोशिश करना जितने लेटेस्ट आपको मिले 2020 से 2022 तक का आपको जो मिलते हैं उनमें अप्लाई करो सो so कैसे अभी स्क्रीन पे जो मैंने आपको तरीका बताया है बहुत ही सिंपल तरीका है ठीक है बस की वर्ड्स यूज़ करना है आपको सर्च करना है थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बैठ कर रिसर्च करनी पड़ेगी तो मैंने भी करी थी ठीक है और मेरे को ऑलरेडी टीयर टू स्पॉन्सरशिप जॉब मिल चुकी है और आगे बहुत जल्दी मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि मेरे को कहाँ पर मिली है और कौन सी पोजिशन मिली है कहाँ पर मैं काम करूँगा तो होपफुली मैं बहुत जल्दी इस बारे में आपको बताऊँगा ठीक है और... अच्छा एक चीज है जो आ, मुझे ऐसा लगता है ये मे बी मेरी थिंकिंग है मेरी एजमशन है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यूके में हैं तो टू स्पॉन्सरशिप जॉब मिलना मिलने की प्रायरिटी थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि जो एम्प्लॉयर हैं उनको दिखता है कि आप ऑलरेडी यूके में हो तो आपको ट्रायल के लिए बुला सकते हैं ठीक है आप आपको फेस टू फेस मिल सकते हैं इंटरव्यू ले सकते हैं देखें लिटरली सी हु दे आर गोइंग टू हायर ठीक है तो इसमें थोड़ा सा ना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ऐसा नहीं कि बाहर से लोग हायर नहीं कर रहे मेरे सामने की बातें हैं कि लाइक uh, like, कुछ रेस्टोरेंट जहाँ पर मैंने विजिट किया था ट्रायल्स वगैरह के लिए एंड देन वो दे well, uh, तो वर कंसिडरिंग पीपल फ्राम आउटसाइड एज वेल ठीक है तो बहुत सारी कंपनीज है जो ओवरसीज़ से भी लेके आ रहे हैं चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रीज़ हो ठीक है और बट मैं मेरा कहना है कि थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है आप अगर यहाँ पे यूके में हो तो जैसे अगर आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो स्टूडेंट वीज़ा पे ऑलरेडी हो सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट लुकिंग फॉर स्पॉन्सरशिप जॉब्स ठीक है पी के चक्कर में मत पड़ो आ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पी uh, बेकार है बहुत ही बेकार है कुछ है लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाती है दैन वाई वेस्ट टाइम फॉर पी राइट तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी स्पॉन्सरशि जॉब सर्च करना चालू करो क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में मिल जाएगी टाइम लगता है मुझे भी एक डेढ़ महीना लग गया बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस बार मेरे को ये छुटपुर छुटपुर जॉब नहीं चाहिए कि पार्ट टाइम में यहाँ कर ली यहाँ करें अगली तो मेरे को परमानेंट चाहिए था इसलिए आप डिसाइडेड कि भाई मैं एक डेढ़ महीने में मैं घर पर हूँ कोई दिक्कत नहीं है बट आई नीड परमानेंट जॉब सो दैट्स में मैंने पूरा टाइम इसमें लगाया एंड मेरे को जॉब मिली सो so, वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि यू हैव टू स्पेंड टाइम और गैस अगर आप यूके आ रहे हैं किसी भी रीजन के वजह से आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं जैसे भी आ रहे हैं तो अगर आप एकोमोडेशन देख सर्च कर रहे हैं आपको मिल नहीं रही है ऑब्वियसली आपको अमोमोडेशन पहले बुक करनी पड़ेगी क्योंकि वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है दिखानी पड़ती है ठीक है तो आप एम्पर स्टूडेंट की हेल्प ले सकते हैं एम्बल स्टूडेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे ठीक है और जो क्या है कि इनका कोलाबोरेशन है यूके में जितनी भी स्टूडेंट अकोमिडेशन है ठीक है इनका उनका कोलाबोरेशन तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसके ऊपर आप सारे सर्च कर सकते हैं ठीक है आपको बाय वन बाय वन गूगल पर सर्च करने की जरूरत नहीं किसी अकोमडेशन के बारे में तो एक पूरे प्लेटफॉर्म पर आपको एक तरीके से पूरी लिस्ट मिल जाती है आपके आप उसमें की यूज़ करके अपनी यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं या कहीं पर भी हो तो उसके एरिया के हिसाब से कि कौन सी एकोमडेशन यूनिवर्सिटी के पास में पड़ेगी ठीक है और कौन सी ज़्यादा कन्वीन है आप अपने उसमें बजट डाल सकते हैं सारे की यूज़ कर सकते हैं तो उसके वो बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म है और साथ ही साथ आपको और आपको एक पूरा सपोर्ट मिला जाएगा आप जब ट्वेंटी फोर आवर आपको एक सपोर्ट देंगे ठीक है उसमें आपके आप अपनी क्वेरीज उनसे पूछ सकते हैं ठीक है डायरेक्टली आपको आप पूरा बजट बता सकते हैं कि भाई ये मेरा बजट है मेरे को इतने में ही चाहिए एंड दे विल हेल्प यू टू फाइंड एकोडेशन अगर अवेलेबल होगी दूसरा अगर आप ऑप्शन ये है कि आप सारी पेमेंट एक साथ नहीं दे पा रहे हैं ठीक है क्योंकि यूजुअली अकोमोडेशन वाले क्या करते हैं आपको सारा जैसे आपने छः महीने के लिए बुक करिए तो सारा एडवांस पेमेंट मांगते हैं तो आप उसमें भी इनसे हेल्प आउट ले सकते हैं बोल सकते हैं कि भाई आई विल आम नॉट एबल टू डू इट तो मे बी कुछ अकोमोडेशन होती हैं वो क्या करते हैं इंस्टॉलमेंट में बना देते हैं Uh, किसी तरह करके और अगर आपको गारंटी के रिगार्डिंग गार गार भी कोई हेल्प चाहिए सो तो, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी पूरी हेल्प करेगी ठीक है सो so, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है तो आप मेरा लिंक यूज़ करके uh, वहाँ से आपके प्लेटफॉर्म वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और आपको अपनी अकोमोडेशन बुक करनी है तो वहाँ से बुक कर सकते हैं सो सोज आई होप इस वीडियो के थ्रू काफ़ी लोगों की हेल्प हो पाएगी आई एम रियली रियली होपिंग फॉर दैट ठीक है और दूसरा जो इसके बाद मैं अगली वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें मैं बताऊँगा कि यूके में शेफ्स वगैरह की सैलरी कितनी मिलती है ठीक है हॉस्पिटल इंडस्ट्री में शेफ़ में कितनी आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर क्या क्या डिडक्शन्स होते हैं कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप सेव कर पाएंगे वो सब मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा सो तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी आता है यहाँ पे कहीं पे वो भी दबा लेना ठीक है तो उससे नोटिफिकेशन मिलती रहती है सो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अनाल सी यू अगेन वेरी सोन इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच बाय